क्यों नहीं? ये फिर से बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। सोच वहां से शुरू होती है। आपने टीवी देखा, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आपने किसी गरीब को देखा? किसान, मजदूर ना था? कौन था? अंबानी था, अदानी था, बॉलीवुड की पूरी लाइनअप थी, सारे के सारे थे, उद्योगपति अरबपति थे, मगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोजगार युवा नहीं था, एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था। दो हिंदुस्तान बने हुए हैं, एक 5% वाला और दूसरा बाकी लोगों का। और किसी भी एरिया में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं दिखने वाले। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों के नाम पढ़ो, एक आदिवासी नहीं मिलेगा आपको। मैंने चेक किया है, मैंने लिस्ट निकाली है सबकी, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाली है, अदानी जी आपकी जमीन लेते हैं, आपका जल छीनते हैं, जंगल छीनते हैं, मगर उनकी कंपनी में सीनियर लेवल पे आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में नहीं मिलेगा। मीडिया में देखो, खारगे जी कह रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखते हैं, कारण है, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, इनके बड़े बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट निकालो, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% हो आप हिंदुस्तान के, 90% उसमें गरीब जनरल कास्ट भी जोड़ दो, 5% और ले लो और जोड़ दो। मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर है। राजस्थान में भी वही है, यहां पे राजस्थान की सरकार को 60-70 लोग चलाते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। दिल्ली वाली मैंने निकाली है, उत्तर प्रदेश की निकाली है, राजस्थान की नहीं निकाली है, निकाल दूंगा। आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 3 दलित हैं, 1 आदिवासी। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी अफसर जिनकी आबादी 8% है, वो 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय लेता है। तो आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा, भाई ये कंपनियों में नहीं है, ये मीडिया में नहीं है, ये प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में नहीं है, ये सरकार में नहीं है, तो है कहां? फिर मैंने मनरेगा की लिस्ट निकाली, उसमें आदिवासी, पिछड़े, दलित सब भरे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकाली, मजदूरों की लिस्ट निकाली, उसमें भरे हुए हैं।
90% का काम हिंदुस्तान में मजदूरी करने का है, 5% का काम देश की हर संस्था को कंट्रोल करने का है। कहीं भी देख लीजिए आप, तो ये हिंदुस्तान की प्रगति का सबसे बड़ा सवाल है। प्रगति करनी है तो एक ऐतिहासिक काम करना होगा। जैसे जब तो चोट लगती है डॉक्टर आपसे कहता है एक्सरे करो।